वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है और उसके आधार पर कैसे जीवों का वर्गीकरण किया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके पहले हम छोटा सा बच्चों को संदेश देते हैं अपनी ट्रेडिशनल क्लास में, हम चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में भी दें। तो आज का ये संदेश है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में अपनी इमेजिनेशन में वो चीज जरूर लाइए। ऐसा कहा जाता है कि जो आप सोचते हैं वो बनते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो आप सोचेंगे तो वो आपकी इमेजिनेशन में आता है, इमेजिनेशन जो होती है वो एक्शन में आती है और एक्शन जो होते हैं वो वास्तविकता में बदलते हैं। तो इसलिए जो भी आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, इमेजिनेशन करिए, एक्शन पे आइए और फिर वर्क करिए। चलिए आज न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझें, बेटा बोलो न्यूट्रिशन। ठीक, चलिए अब यहाँ तो ऑनलाइन मोड है तो बच्चे बोलेंगे नहीं, हम ही आपको दो बार बोल करके बता दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा न्यूट्रिशन, हमने क्या कहा न्यूट्रिशन, फिर हम कह रहे हैं पोषण, फिर हमने कहा पोषण। आपको क्या लग रहा है, हमने बताया था टर्मिनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब हमने बताया था चाहे प्लांट किंगडम की हो चाहे एनिमल किंगडम की हो, हमने ये कहा था कि अगर किसी शब्द के लास्ट में आई ओ एन आ जाता है तो ये क्या होती है, क्रिया। ठीक, हमने ये कहा था कि अगर किसी शब्द के आगे ना या ना आ जाए, ठीक, पोषण ना आ लास्ट में तो वो भी क्या होती है, क्रिया। तो ये क्या है, क्रिया, न्यूट्रिशन। ठीक, ये प्रक्रिया तब बनेगी जब इसके साथ कोई फंक्शन या कोई ऑब्जेक्ट जुड़ेगा तो ये प्रक्रिया बन जाएगी। अब न्यूट्रिशन है, पोषण है, ये क्रिया है, लेकिन किसी जीव का न्यूट्रिशन वो क्या बन जाएगी, प्रक्रिया। तो आप याद रखिए कि न्यूट्रिशन एक क्या है, आप बेसिक कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया है, क्रिया समझ में आ गया। प्रक्रिया कैसे होता है, ये क्या है, एक तरीके का, ठीक है, अगर ये फंक्शन के साथ जुड़ जाती तो प्रक्रिया बन जाती है। तो कभी भी लास्ट में आई ओ एन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस से रिलेटेड होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, इसकी कई परिभाषाएं हैं, आप कैसे भी लिखो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको शब्दों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये नहीं कि आपने रट लिया, आप समझने का प्रयास करो। देखो, समझने का अगर आप प्रयास करोगे बच्चों तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखिए, न्यूट्रिशन होता क्या है, हम अक्सर बात करते हैं कि पोषण की कमी हो गई, कमजोरी महसूस हो रही है, पोषण के लिए, पोषण के पूर्ण आहार के लिए हमें सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनकी आवश्यकता होती है। तो पोषण होता क्या है, अगर मान लो किसी बच्चे को पोषण नहीं पता और अगर वो लिख दे कि पोषण हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक क्रिया है, प्रक्रिया है, तो कोई नहीं काटेगा। पोषण में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, कोई नहीं काटेगा। ठीक, अब देखिए, ये तो कोई बच्चा अपने मन से लिख रहा है, अब इसको एक डेफिनेशन में, बायोलॉजिकल डेफिनेशन में कैसे समझेंगे, हम इसको दो तीन प्रकार से समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रत्येक जीव को, ठीक, अपनी सारी जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, प्रत्येक जीव को अपनी सारी जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती, क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को अपनी सारी उपापचय क्रियाओं को चलाने के लिए, उसकी कार्यकी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा
पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक जीव को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रियाओं को प्राप्त करने की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या गलत है ये? आप देख सकते हो आराम से कि प्रत्येक जीव को मेटाबॉलिक एक्टिविटी और शरीर की सारी जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, उसकी कार्यकी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। अर्थात पोषक तत्वों से प्राप्त होने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, दूसरा समझ लिए। ठीक, दूसरी क्या परिभाषा बनेगी? जीवधारियों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पोषण अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। क्या? कि जीवधारी को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जीवधारी का मतलब यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों हो गए, पा का मतलब प्लांट और एनिमल। तो जीवधारियों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। बात समझ में आ गई? ठीक, पहली क्या परिभाषा बनी थी कि प्रत्येक जीवधारियों को ठीक जैविक प्रक्रियाओं को फंक्शन करने के लिए या उसके कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। पोषक तत्वों से प्राप्त होने वाली क्रिया को पोषण कहते हैं। फिर क्या आया? इसको समझ लिया। कह रहा है कि जीवधारियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक, ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इसलिए लिखा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष ये हो गया एनिमल, जो किसी न किसी तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अभी आगे पता चलेगा। आगे इसको रब कर देते हैं और इसकी एक और परिभाषा समझते हैं। देखिए, ये इसकी दूसरी परिभाषा थी और ये इसकी तीसरी परिभाषा है। देखिए, अब तीसरी परिभाषा क्या है कि ऐसे देखिए, कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्रत्येक जीवधारी गलत लिख दिया है, देखिए फिर से लिख देती हूँ। प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए ऐसे लिखिए, ठीक है। ऊर्जा को प्राप्त करने की क्रिया को या प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये एक परिभाषा बनी, ठीक। थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी परिभाषा है और बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो प्रत्येक जीवधारी को शारीरिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए
बताओ कि शरीर के इस वृद्धि को बढ़ाने के लिए ठीक और ऊर्जा को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक, क्या प्रत्येक जीवधारी को शारीरिक वृद्धि और मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, जब हमें ये परिभाषा सब समझ में आ गई तो अब हम इसको रब कर देते हैं और अब हम बात करते हैं ऐसे नहीं इस तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लांट भी आएगा, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल मोड। ठीक, जीवधारियों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी। चलिए हम अगर अचानक से आपको बता रहे डायरेक्ट कि ये खुद से भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये आप याद तो कर लोगे, याद भी रहेगा, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम बार बार यही कहते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। हर एक शब्द का फंडामेंटल फैक्ट होता है और उस फंडामेंटल फैक्ट को बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको क्या है, कब, कहां, क्यों, कैसे, इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बार बार एक डिफिनेशन बोलते हैं, चाहे ट्रेडिशनल क्लास हो चाहे ऑनलाइन मोड क्लास हो, हम ये बोलते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो विज्ञान है किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। यहाँ अगर कोई भी चीज है तो उसका तथ्य है, बिना तथ्य के बायोलॉजी या साइंस की कल्पना करना कठिन होता है। चलिए ऑटो का मतलब बताएं, अगर बेटा ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक, अगर हम ट्रॉफिक को ले ले बेटा, ट्रॉफिक बेटा, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, देखो स्वा भोजन, चलो नई पोषी पे आएंगे, भोजन पे आएंगे, ठीक ठीक बात समझ आ गई। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्व मतलब स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। पहली परिभाषा है इसकी, क्या, क्यों हम ये शब्दों को बता रहे हैं, हम आपको इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी को बताते हैं, हमेशा बताते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर आए, चाहे जेनेटिक्स आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, टर्म्स को इसीलिए बताया जाता है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। बच्चों को नहीं पता होता कि जेनेटिक इनहेरिटेंस नेट में क्या अंतर होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्व, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब क्या होता है, भोजन। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा, अगर वो इतना भी लिख दे कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं या स्व बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल सही है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, अब इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए, ठीक, अब हमने पोषी आया तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे जीवधारी या
ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अर्थात खुद से बनाते हैं, ऐसे जीवधारी को ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी जीवधारी कहते हैं। ऐसे जीवधारी को ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी जीवधारी कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? प्लांट। ठीक, इसका क्या एग्जांपल है? प्लांट। चलिए इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसको रब कर देते हैं। देखिए जो इसकी रिएक्शन होती है, 6CO2, 6H2O, ठीक, ये सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, C6H12O6+6O2, ठीक, और कुछ एनर्जी जाती है। ठीक, तो ये रिएक्शन है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक, स्टार्च भी, ठीक है, ग्लूकोज या स्टार्च, ठीक, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, जिसमें 6CO2 6H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के अणु 6 अणु मिल करके क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तब ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण होता है, O2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है, ये ग्लूकोज बनता है, ये एक फूड मटेरियल होता है प्लांट का, ठीक है, और इससे ही इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जैविक प्रक्रियाएं होती है, इनको पोषण प्राप्त होता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं। ठीक, इसको हम रख कर देते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें बेटा, तो सेकंड जो होता है वो होता है हेट्रो परपोषी। अब जिन बच्चों को ऑटोट्रॉफिक बात समझ में आ गई है, वो कोशिश करेंगे कि वो बना लेंगे, फिर भी इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं थोड़ा इनको। आपको पता है कि जो ज्यादातर शब्द होते थे, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ज्यादातर जितने भी, वो ग्रीक भाषा में दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ लैटिन्स में भी है, ठीक, लेकिन आपको ज्यादातर टर्म्स जो मिलेंगे वो ग्रीक में मिलते हैं, ये बात आप गौर करिएगा। ठीक, हेट्रो का मतलब बेटा, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, अदर्स, अदर्स का मतलब क्या होता है? अन्य। अदर्स का मतलब क्या होता है? अन्य, या बहुत से लगा दे, या एक से अधिक भी कह सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक भी कह सकते, कुछ भी कहो बेटा, ठीक है। उसके बाद ट्रॉफिक की अगर हम बात करें, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। अब क्या बच्चे आप लोग इसकी परिभाषा नहीं बना सकते हैं? आपको हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, अदर्स का मतलब होता है दूसरे, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, फूड का मतलब होता है भोजन, यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे एनिमल को परपोषी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो होता है, इसी हेटरोट्रॉफ के कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ
पोषण की कई प्रणाली होती है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखो बहुत सिंपल है। ठीक, अगर हम सेप्रो को तोड़े, ठीक, सेप्रो एक ग्रीक वर्ड है और इस सेप्रो को तोड़े तो इसका मतलब होता है मृत या डेड। ठीक, ट्रॉफिक को तोड़े तो क्या होता है फूड, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। देखो खुद ही परिभाषा बन गई। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए मृत या डेड सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ, मृत या डेड सड़े गले ठीक कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों पर ठीक निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, तो ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए सड़े गले मृत डेड पदार्थ अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर या डिपेंड होते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृतोपजीव या मृतोपोषण जीव कहलाते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल जैसे हो गए बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ एल्गी, ठीक, एटीसी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब पता चला। अब हम लोग बात करेंगे, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक, या परजीवी पोषण ऐसे जीव, ठीक, जो अपने भोजन के लिए किसी परजीवी या दूसरे अन्य एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, ऐसे जीव जो पोषण के लिए, ठीक, किसी परजीवी, ठीक, पर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दोनों होगा, एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा। ठीक, एनिमल में बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, ठीक है, इसकी हेलमेंथीस भी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है बेटा, और मैं बताऊं प्रोटोजोआंस भी होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआंस भी होते हैं और हेलमेंथीस भी होते हैं, मतलब कि जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआन भी होते हैं, ठीक, और हेलमेंथीस भी होते हैं, यानी कि वर्म भी होते हैं, कृमि भी होते हैं, कृमि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कृमि। और जो प्लांट में होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, बहुत से आपको प्रोटोजोआंस के दिखेंगे, प्रोटोजोआंस के पैरासिटिक दिखेंगे, ठीक है, और होस्ट सेल से ये लोग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और प्रोटोजोआंस होते हैं। जैसे अमर बेल का एक प्लांट होता है, उसमें प्रोटोजोआंस होता है पैरासिटिक मोड में, ठीक है, तो वो क्या करता है, अमर बेल के जो मतलब प्लांट होता है उससे क्या करता है, धीरे 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 उसकी जो इंटरनल हो सकता है उसकी वो वुड को खा रहा हो, ठीक है, उसकी पत्तियों को खाता रहता है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं,
बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, हेलमेंथीस, और ये दो तरीके का होता है प्लांट और एनिमल, तो दोनों में ही पाया जाएगा। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं दोनों ही सेल्स में, होस्ट सेल्स में होते हैं, एनिमल में भी होंगे, प्लांट में भी होंगे। जब एनिमल में होंगे बैक्टीरिया होंगे, प्रोटोजोअन्स होंगे, हेलमेंथीस होंगे, ठीक। प्लांट में होंगे तो स्पेसिफिक क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं, और कुछ आपको बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी कुछ प्लांट्स में आपको मिलेंगे देखने को, जो क्या करते हैं उनकी कुछ सेल्स को खाते रहते हैं, ठीक है, खोखला बनाते रहते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इसको रख कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तीसरा देखते हैं, पोलो पोलो जोइक होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। देखो अब फिर से तोड़ते हैं, अब इन शब्दों को इसीलिए टर्मिनोलॉजी काम आती है, हम शब्दों को इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि जब शब्दों को तोड़ लेते हैं, परिभाषा बना लेते हैं, ब्रेक करके लिटरली मीन जान लेते हैं, जब लिटरली मीन जान लेते हैं तो हम उसकी परिभाषा बना लेते हैं, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, हम समझ लेते हैं उस बात को। होलो का मतलब क्या होता है, होल, ठीक, होल या संपूर्ण, पूर्ण कह लो, ठीक है। जोइक का मतलब क्या होता है, जिफॉइस, जिफॉइस का मतलब क्या होता है, एनिमल, एनिमल का मतलब क्या होता है, जीव या जंतु, ठीक, जंतु लिख दीजिए नहीं तो जीव, जंतु, ठीक। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। देखिए अब क्या करना, ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जो अपने पोषण के रूप में किसी ठोस चीज का या किसी उससे, ठीक, पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसे जीव जो पोषण के रूप में किसी ठोस संपूर्ण खाद्य वस्तु का या खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, पोषण लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें भी तीन कैटेगरी होती है, लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये पूरा एक ठोस संपूर्ण चीज लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके से जो एनर्जी मिलती है, ठीक, डाइजेशन हुआ, ठीक, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन हुआ, ठीक, ठीक, एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और फिर इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पाचन हुआ, स्वांगीकरण हुआ, अवशोषण हुआ, फिर इनको क्या मिली, ऊर्जा मिली, ठीक। तो इस तरीके से होता है, और ये जो भी पोषण करते हैं वो इंजेस्ट करते हैं, मतलब क्या होता है, अंतर ग्रहण करते हैं, ठीक। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है, क्योंकि तीन कैटेगरी इसकी आएंगी, तो इंजेस्ट क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करेंगे, अंदर शरीर के ले जाएंगे, ठीक, अंतर ग्रहण हो गया, ठीक। और जब ये प्रोसेस हो जाता है डाइजेशन का, एसिमिलेशन का, एब्जॉर्प्शन का, और फिर हमें एनर्जी मिल जाती है, तो ये करते इंजेस्ट कर, इंजेस्ट कर देते, और इंजेस्ट में क्या होता है, ये वही स्त्रावण कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता चला, संपूर्ण ठोस वस्तु का ये क्या करेंगे, इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है कि सबसे पहले डाइजेशन, एसिमिलेशन, फिर ऑब्जॉर्प्शन हुआ, एनर्जी मिली, ठीक। तो जब डाइजेशन करते तो इंजेस्ट करेंगे, अंतर ग्रहण करेंगे, तभी प्रोसेस होगा, एनर्जी मिल जाती, जो भी क्या कहते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं या जो भी इनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका क्या होता है, बहिष्कारण, इंजेस्ट होता है, ठीक। अब इसके और मोड की बात करते हैं, जो इसके थ्री टाइप्स ऑफ मोड होते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हर्बीवोर, शाकाहारी। अब तो ये समझ में आ रहा है, ऐसे जीव
पोषण ऐसे देखिए आराम से बताइए कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए शाकाहारी चीजों का सेवन करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन इसको टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? शाक, शाक सब्जियां। ठीक है, हर्ब्स का मतलब क्या होता है? शाक या सब्जियां। बोर्स का मतलब होता है बोरारी, बोरारी, बोरारी का मतलब होता है टू ईट, मतलब खाना। ठीक, तो ऐसे एनिमल जो अपने पोषण के लिए हरी सब्जियों, ठीक है, या पादपों पर डिपेंड होते हैं हर्बी बोर कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो अपने पोषण के लिए हरे पादपों या शाख या सब्जियों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक, देखिए सब्जी शाख ये सब टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए जितना ज्यादा समझ ले, लेकिन आप जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज लिखेंगे वो ये लिखेंगे ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए हरे पादपों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए खरगोश हो गया, ठीक है, बकरी हो गई, गाय हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके से जितने शाकाहारी जीव आते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक, जब हमें ये पता चल गया, अब हम बात करते हैं कार्निवोर की। इसको हम रख कर देते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं कार्निवोर। ठीक, ठीक, अब इसकी भी लिटरली मीनिंग ना जाने, लेकिन जानना पड़ेगा। ठीक, सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही बताएं तो क्या बताएंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। लेकिन कार्नी का मतलब देखिए तोड़ लीजिए, कार्नी, ठीक, बोर्स, बोर्स का मतलब क्या होता है? बोरारी, बोरारी का मतलब क्या होता है? टू ईट, ठीक, कार्नो, कार्नो का मतलब होता है फ्लैश या मांस। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं ऐसे जीवों को कार्निवोर से मांसाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य मांसाहारी जंतुओं पर डिपेंड होते हैं ऐसे जीवों को कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक, शेर हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गया, डॉग कुत्ता हो गया, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, जब हमें मांसाहारी या कार्निवोरस की बात समझ में आ गई तो उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, इसको रख कर देते हैं ओमिनी, 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 ठीक है, सर्वाहारी। ठीक, देखिए सर्वाहारी कैसे? देखिए ओमनी का मतलब होता है बेटा एवरीथिंग, एवरीथिंग, बोर्स का मतलब होता है बोरारी, बोरारी का मतलब होता है टू ईट, ईट का मतलब खाना, के लिए खाना, ठीक है, वैसे खाना लिख देना। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो अपना पोषण के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं पर निर्भर होते हैं ऐसे एनिमल को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे एनिमल जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीवों पर निर्भर होते हैं ऐसे एनिमल जो अपने पोषण के लिए, ठीक है, एवरीथिंग मतलब यहाँ क्या होगा? शाका प्लस मांसाहारी। ठीक, तो ऐसे एनिमल जो अपने पोषण के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों पर निर्भर होते हैं ऐसे एनिमल को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे मनुष्य,
ठीक, चिड़िया, कौवा इत्यादि, ये सब क्या करते हैं कि दोनों चीजों का सेवन करते हैं और भी होते हैं, ठीक, पिग भी होती है। तो मनुष्य, चिड़िया, कौवा इत्यादि ये क्या करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही जंतुओं पर पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जिसे ओमनिवोरस या सर्वाहारी कहते हैं। इस तरीके से आज की बायोलॉजी पाठशाला में हमने ये समझने का प्रयास किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन क्यों कहा जाता है, न्यूट्रिशन की पूरी टर्मिनोलॉजी, ठीक, उसकी कई प्रकार से परिभाषा, उसके साथ ही साथ कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, उस पोषण के प्रणाली के आधार पर कैसे जंतुओं का वर्गीकरण होता है, आज की पाठशाला में हमने ये समझने का प्रयास किया। कल की पाठशाला में हम ये समझेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स का कार्य, उनसे कमी से होने वाले रोग, ठीक, पूरा फॉर्मूले बेसिस पे बताएंगे और समझाएंगे। अगर आज की बायोलॉजी पाठशाला बच्चों आपको समझ में आई हो और लगा हो कि ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो इसे अन्य दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पाठशाला से जुड़ सके। आप सभी को इस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।